आयुर्वेद में रोगों के तीन कारण बताए गए हैं समस्त रोगों के, वात पित्त और कफ। तो यदि बॉडी में इन तीन चीज तत्वों का संतुलन यदि बराबर रहेगा तो बीमारी हमें छू भी नहीं पाएगी। आजकल के दिनचर्या में और जो भोजन प्रणाली को देखते हुए मैक्सिमम लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है और हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है गोस्वामी ड्रग्स का हार्ट केयर जूस, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, आपके हार्ट की ब्लॉकेज को भी खोलता है, प्लस आपका इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो और बीपी, साथ में बीपी भी आपका संतुलन बनाए रखता है। तो बने रहिए, हम आपको बताते हैं इसके क्या क्या इसके अंदर चीज़ें डली हुई है, क्या क्या उनका यूज़ है। तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें अमूमन हर आम आदमी उस बीमारी कह लीजिए या उस प्रॉब्लम से ग्रसित है। क्योंकि आज की जो दिनचर्या है वो हमने अपना लाइफस्टाइल को इस प्रकार बना लिया कि आई थिंक मेहनत अभी लोगों से होती नहीं है, ये थोड़ा सा कटु सत्य है। तो आज का जो टॉपिक है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। आयुर्वेद की पद्धतियों का ज्ञान भारतीय लोगों की रसोई से लेकर आंगन तक भरा पड़ा है। आयुर्वेद पद्धति का जो प्रारंभ है वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने आरंभ किया था, और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आयुर्वेद का हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि वो जो ट्रीटमेंट देता है वो उस बीमारी को जड़ से खत्म करता है, ना कि टेम्परेरी। और आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो मनुष्य को आरोग्य देना होता है। आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो स्वाद पर नहीं बल्कि आरोग्य पर ध्यान देता है। वर्तमान में कई ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण करती है। उन्हीं में से एक कंपनी है गोस्वामी ड्रग्स, जो बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। गोस्वामी ड्रग्स जो है वो आधुनिक मशीनों द्वारा औषधियों का निर्माण करती है, और उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी का जो है वो पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो भी गुण है या जो भी उस जड़ी बूटी कह लीजिए या आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल काम आता है, तो उसका कोई भी गुण नष्ट ना हो, इस तरह का पूरा 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 ध्यान रखा जाता है। आज हम लोग जो दवाई के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है हार्ट कल्प जूस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की दिनचर्या बहुत ही खराब हो चुकी है, न हमारे उठने का टाइम है, न हमारे सोने का टाइम है, न हम कोई किसी प्रकार की एक्सरसाइज किया करते हैं। तो नेचुरल है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने से काफ़ी तरह की बीमारियां, जो हृदय संबंधित बीमारियां होती है वो हमारे शरीर में डेवलप होती है। तो इन्हीं में से कुछ बीमारी जैसे होती है जो हार्ट रिलेटेड होती है, लीवर रिलेटेड होती है, इम्यूनिटी बूस्टर और बीपी हाई वाली जो प्रॉब्लम होती है। तो आज
हम उसी दवाई पे एक चर्चा करेंगे जो इसका रामबाण इलाज है। हार्ट कल्प जूस के जो मुख्य घटक हैं जो इसको बनाने में काम आते हैं वो है गार्लिक, जिसे आप लहसुन भी कहते हैं, जिंजर जिसे अदरक भी कहते हैं, और लेमन जिसे नींबू कहते हैं, और आपका हनी जिसे शहद कहते हैं, और दालचीनी और एप्पल विनेगर। तो ये सब दवाइयाँ को मिला के इन सब एक बहुत ही प्यारा औषधि बनाई गई है जो आपके बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, आपके हार्ट को इम्यून करती है, प्लस आपको जो ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर वो ब्लॉकेज को रिमूव करती है। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि भारत जो है वो आयुर्वेदिक के लिए विश्व भर में विख्यात है, तो जो इसमें जो घटक डले गए हैं उनका विस्तृत जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। गार्लिक जो बेसिकली यूज में आता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के, बीपी को कंट्रोल करने के, प्लस शरीर में जो अस्थियां होती है बोन्स उसको स्ट्रॉन्ग करने में, और स्किन को इम्प्रूव करने में, स्किन रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको नष्ट करने में मुख्यतः काम आता है। दूसरा जो घटक है वो है अदरक। तो अदरक जो है उसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, जैसे वो ब्लड शुगर को बॉडी में उसका जो लेवल है उसको कम करता है, मेंटेन करता है, वेट लूज में भी हम लोग अदरक का यूज़ में लेते हैं, मसल्स पेन यदि होता है तो उसको कम करने में भी हम लोग अदरक के जूस का प्रयोग करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी अदरक का यूज़ आता है, प्लस महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है तो उसमें जो पीरियड्स में जो पेन आता है उसके अंदर भी अदरक जो है उसको रिड्यूस करता है। अगला जो घटक है दोस्तों वो है नींबू या लेमन। लेमन बेसिकली इसकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक प्रकृति होती है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि नींबू चिकनाई को छुड़ाने में भी काम आता है, तो नींबू का जो बेसिकली काम होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करना, स्ट्रोक की जो रिस्क है उसको कम करना, आप ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करना, और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी काम आता है। अगला जो घटक है वो आयुर्वेद में एक इटसेल्फ एक मतलब माना हुआ प्रोडक्ट है जो आई थिंक हम लोग सब जानते हैं, उसका नाम है शहद। तो हनी जो बेसिकली यूज में आता है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम आता है, ये भी एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, प्लस आपका फैट्स जो है बॉडी के अंदर उसको भी कंट्रोल करता है, और सबसे इसका जो मेन रोल होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड होता है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं उसके लेवल को ये कंट्रोल करता है और रिमूव भी करता है। दोस्तों अगला जो है वो दालचीनी जिसे बोलते हैं हम, ये अमूमन आपके सभी की रसोई में जो है पाया जाता है, इसको हम लोग मसालों में भी काउंट करते हैं। तो दालचीनी की खासियत है कि दालचीनी जो है वो कैंसर को जो कंट्रोल करता है, मतलब कैंसर ना हो उसमें, वो कैंसर सेल्स बॉडी में डेवलप ना हो तो उस पर काम करता है। उसके अलावा आपका ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज़ को के अंदर बेहतरीन दवाई मानी गई है, इसका हम लोग होम्योपैथी में भी इसका उपयोग है, इसका आयुर्वेदिक में भी उपयोग है, और एलोपैथिक में भी दालचीनी जो है वो यूज़ में आती है। अगला जो घटक है, जो मेन घटक इसका है इस दवाई का, वो है एप्पल विनेगर। तो एप्पल विनेगर का जो काम है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करना,
आपका ब्लड शुगर का को इम्प्रूव करना, लोअर कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना, प्लस जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स जो बनता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। अब आती है कि इस दवाई को लेना कैसे है। तो इस दवाई को लेने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आपको 10 ml मतलब इसके साथ में बॉटल के साथ में एक मेजरमेंट का आपको कप मिलता है, उसमें आपको 10 ml दवाई सुबह खाली पेट उठते ही एक गिलास पानी में मिला के लेना है, ताकि इस दवाई का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। आप किन लोगों को ये दवाई नहीं लेनी है या डॉक्टर से सलाह करके लेनी है, जो गर्भवती महिलाएं होती है और जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, उनको इस दवाई का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था इस दवाई के बारे में। ये दवाई जो एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका वाला है, आई थिंक ये हमारे जीवन में ये घटक जो है, ये जो इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं, ये सब यूज़ में आते हैं। तो इसी को अच्छे तरह से कितनी मात्रा में लेना है, कितनी, उसी तरह से हम इस दवाई को बनाया गया है गोस्वामी ड्रग्स के द्वारा। तो ये दवाई जो है, फिर से रिपीट करता हूँ, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए, ब्लॉकेज को खोलने के लिए इस दवाई का यूज़ में आता है। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को और आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल पे और प्लीज़, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।